नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर, आपका दोस्त, आपका हम सफर। फिर से एक बार चैनल मेड इन इंडिया पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम नेक्स्ट महीने से ही शुरू हो जाएगा। और आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे फोन करके अपना नाम ट्रेनिंग के लिए एनलिस्टमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अगरबत्ती का एक स्पेशल फॉर्मुलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये कोई परफ्यूम का फॉर्मुलेशन नहीं है, ये अगरबत्ती बनाने का फॉर्मुलेशन है। और अगरबत्ती बनाने में हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स पे हम लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके वजह से अगरबत्ती का परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, यानी कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने जाने के बाद आपके अगरबत्ती से आपका परफ्यूम क्यों उड़ जाता है, किस गलतियों के वजह से उड़ जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वक्त का ज्यादा बर्बादी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप लोग अगरबत्ती बनाते हैं और अगरबत्ती बनाने के बाद उसको परफ्यूम पे डिपिंग करते हैं, तो अगरबत्ती तो अच्छा खुशबू देता है, लेकिन एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने जाने के बाद उसका परफ्यूम धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो ये जो फेड होने का चक्कर चलता रहता है, जिसके वजह से बिजनेस पे बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, इसके लिए लायबल कौन है? परफ्यूम लायबल है, जो परफ्यूम बनाया है, जिन्होंने परफ्यूम बनाया है वो लायबल है, ओनली द परफ्यूमर इज लायबल। और आपका अगरबत्ती का जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या लायबल है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले आप लोग ये सोचिए कि नॉर्मली आप लोग किसी से मशीन खरीदते हैं, खरीद के जो अगरबत्ती बनाते हैं उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो होता है चारकोल। चारकोल आपका ब्लैक अगरबत्ती का मेन इंग्रेडिएंट है। अब दोस्तों, एक बात थोड़ा सा सोच के देखिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जो चारकोल आप अपने अगरबत्ती में यूज कर रहे हैं, क्या वो रियल में ही चारकोल है, पूरा के पूरा इंग्रेडिएंट, या उसमें कुछ मिलावटी है? आप जो चारकोल अपने अगरबत्ती पे यूज कर रहे हैं, वो चारकोल अगर प्योर चारकोल होगा तो उसी चारकोल से गन पाउडर यानी के बारूद बन सकता है। हम लोग दिवाली में, पूजा में पटाखे फटाते हैं, पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं। ये जो पटाखे फुलझड़ियां जलाने के वक्त उसमें जो गन पाउडर या बारूद यूज किया जाता है, वहां पे जो चारकोल यूज होता है, क्या वही टाइप का चारकोल आपको दिया जाता है? क्योंकि बारूद बनाने में जो चारकोल यूज होता है उसको प्योर चारकोल होना ही है, अदरवाइज उससे बारूद नहीं बनेगा। तो आपका चारकोल क्या उसी क्वालिटी का है? नहीं है दोस्तों, आपका जो चारकोल है उस चारकोल से बारूद यानी के गन पाउडर नहीं बन सकता है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो हम आपको डायरेक्ट कैमरा पे दिखा देंगे कि जहां पे ये जो पटाखे बनते हैं आपका, ये वहां पे कौन से तरह के चारकोल यूज होते हैं और उन चारकोल का क्वालिटी क्या है। तो अगर आप लोग प्योर चारकोल मतलब गन पाउडर में यूज होने वाले चारकोल को यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका अगरबत्ती का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि चारकोल का धर्म है वो परफ्यूम ओडर या खुशबू को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वुड डस्ट। आप लोग बहुत ही फाइन क्वालिटी के फाइन डस्ट, वुड डस्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको
चारकोल के साथ मिला देते हैं, जो आपका सेकंड आइटम है। लेकिन दोस्तों मशीन तो कुछ सालों में आया है, ये मशीन आने से पहले क्या अगरबत्ती में वुड डस्ट मिलाया जाता था? नहीं दोस्तों, सिर्फ चारकोल यूज किया जाता था और चारकोल के साथ एक एडेसिव यूज किया जाता था। लेकिन अभी कॉस्ट कम करने के लिए, अगरबत्ती का काउंटिंग बढ़ाने के लिए, अभी मशीन पे ठीक से मसाले को चलाने के लिए ये वुड डस्ट का कॉम्बिनेशन इसमें ऐड किया गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो वुड डस्ट है, वुड डस्ट को अपने अगरबत्ती से हटा दीजिए और वुड डस्ट के जगह पे आप लोग यूज करिए कुपम डस्ट। तो ये आपका सेकेंड आइटम हो गया, पहला आइटम चारकोल, सेकेंड आइटम कुपम डस्ट। अब ये जो दो मेन इंग्रेडिएंट है, इन दो इंग्रेडिएंट्स को कितना परिमाण पे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चारकोल लीजिए 600 ग्राम, कुपम डस्ट लीजिए 200 ग्राम। अब लास्ट और थर्ड इंग्रेडिएंट जो बहुत ही अहम भूमिका पालन करता है वो है अगरबत्ती का एडेसिव, यानी कि कोई आठा एडेसिव आपको यूज करना है जो आपके अगरबत्ती पे बॉन्डिंग लेके आए। तो इसके लिए अभी मैक्सिमम लोग कुछ दिन पहले तक मैक्सिमम लोग गुआर गम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गुआर गम का इस्तेमाल करने से आपका मशीन पे मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से रन करता है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस गुआर गम को आप लोग हटा दीजिए, गुआर गम को आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए। अभी मार्केट में और एक एडेसिव आया है जिसको बोलते हैं जॉस पाउडर। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मशीन बेचने वाले, रॉ मटेरियल्स बेचने वाले, कि ये जो जॉस पाउडर है ये आपका एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। दोस्तों ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है, ये आपको झूठ 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 ही बोला जाता है। जॉस पाउडर आप लोग मिलाते हैं और उसके साथ थोड़ा सा गुआर गम मिला के आप उसको मशीन में देते हैं कि मशीन अच्छा रन करे, ये भी आपका गलती है। आप लोग जॉस पाउडर को भी हटा दीजिए और जॉस पाउडर के जगह पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिकेट का इस्तेमाल कीजिए जो पहले टाइम पे यूज किया जाता था। मैं अभी एक 40 साल का आदमी हूं, मैं जब क्लास 3, 4, 5 में पढ़ता था तब का जो अगरबत्ती मार्केट में आता था, नॉर्मल अगरबत्ती, हमारे जहां पे मेरा घर जहां पे है बारासत में, जहां से कुछ ही दूर में बशीरहाट नाम का एक जगह है, उसका अगला वाला स्टेशन है भैबला हॉल्ट, वहां पे घर घर में लोग अगरबत्ती बनाते थे, हैंड रोल अगरबत्ती। तो वहां पे गुआर गम और वुड डस्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, जिकेट और चारकोल को मिला के ही ये बनाया जाता था। लेकिन अभी मैं आपको ये बोलूंगा चारकोल, कुपम डस्ट और साथ में आपका ये जिकेट पाउडर का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। अब इसका परिमाण कितना होगा, आप लोग चारकोल लीजिए 600 ग्राम, 600 ग्राम चारकोल, 200 ग्राम कुपम डस्ट और जिकेट लीजिए 200 ग्राम, तो ये आपका 1 किलो का कॉम्बिनेशन हो गया है। अभी आप लोग बोलेंगे जिकेट 200 ग्राम, मैं बोल रहा हूं हाँ जिकेट 200 ग्राम। इससे आप लोग एक सैंपल अगरबत्ती बनाइए और मुझे फोन करिए, अगर आपको इस पे कोई बर्निंग इश्यू आता है तो भी फोन करें, पहले थोड़ा परिमाण में बनाइए, 500 ग्राम बनाइए, बना के मेरे को फोन करके मुझसे पूछिए। और इस कॉम्बिनेशन पे आप अगरबत्ती बना के उस अगरबत्ती को ओपनली 1 साल तक फेंक के रखिए और देखिए उस पे खुशबू रहता है कि उड़ जाता है। मेरा दावा है आपसे, आपका अगरबत्ती से खुशबू नहीं उड़ेगा। यहां पे और एक पॉइंट है जो मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं, चारकोल
प्योर चारकोल। ये प्योर चारकोल आप लोग जब मार्केट से खरीदने जाएंगे तो प्योर चारकोल का दाम, प्योर चारकोल का कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा आएगा। लेकिन इसका कॉस्टिंग ज्यादा है इसलिए आप लोग घबरा मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा दाम वाला प्योर चारकोल यूज करने से एक साइड में जैसे आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा, आपका अगरबत्ती का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होगा और साथ में अगरबत्ती का काउंटिंग भी बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि जो प्योर चारकोल है, प्योर चारकोल वॉल्यूम में ज्यादा है, वॉल्यूम पे ये बहुत ही ज्यादा है। प्योर चारकोल बहुत हल्का होता है। आप जो चारकोल लाते हो, आपका 30 किलो का चारकोल एक बस्ते में पकड़ जाता है, ये नहीं पकड़ेगा, ये डेढ़ बस्ता लग जाएगा। और आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर चारकोल और जिकेट पाउडर को यूज करते हुए अगरबत्ती बनाते हो ना, तो आपका अगरबत्ती का काउंटिंग एक किलो में कम से कम 1400 से 1500 आएगा, क्योंकि प्योर चारकोल का वॉल्यूम ज्यादा है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैंने आज आपको बताया, इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए और इससे आप लोग अगरबत्ती बनाइए। ज्यादा पहले नहीं बनाना है, पहले 500 ग्राम बनाइए और मुझे इस नंबर पे फोन करिए, फिर मैं आपको और कुछ टेक्निक्स बता दूंगा जिसको अप्लाई करिए, आपका अगरबत्ती एकदम अच्छे क्वालिटी का, ब्रांडेड क्वालिटी का अगरबत्ती बन जाएगा और आपके अगरबत्ती से खुशबू कभी नहीं उड़ेगा, कम से कम एक साल तक तो खुशबू रह ही जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर दिन जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तब भी एक नए से नए फॉर्मुलेशन, परफ्यूम के फॉर्मुलेशन, अगरबत्ती के फॉर्मुलेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वेट करिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और दोस्तों, हम लोगों का ट्रेडिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है, आप लोग चाहे तो अपना नाम एनलिस्ट करवा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे नंबर है जहां पे फोन करिए या मेरे को व्हाट्सएप करके रखिए, मैं आपका नाम एनलिस्टमेंट कर लूंगा और आपके पास फोन कॉल जाएगा कि कौन से डेट पे आपका ट्रेनिंग होगा। और दोस्तों, मार्केट पे बहुत सारे लोग फ्री पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रेनिंग फ्री नहीं है। हमारे ट्रेनिंग पे अगरबत्ती बनाना भी सिखाया जाएगा, अगरबत्ती का परफ्यूम बनाना भी सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आप लोग जो अगरबत्ती का मशीन है, अगरबत्ती के मशीन को कैसे इस्तेमाल करने से, किस तरीके से इस्तेमाल करने से आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और कैसे वैरायटीज ऑफ इंसेंस स्टिक, वैरायटीज ऑफ अगरबत्ती बना सकते हैं, जो अगरबत्ती का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।